वेलकम बैक टू माई ट्यूशन पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र आगरा यूनिवर्सिटी से है तो उसके लिए हम लेके आए बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी से बोला जाता है। तो भूगोल के जियोग्राफी के पेपर की हम बात करने वाले हैं। आप ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, ये लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके होंगे और आपके पेपर में 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, ये 75 नंबर के होंगे, 75 नंबर के 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे तो लगभग मैं 22 से 23 क्वेश्चन, इसमें से आपको 17 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और मैंने आपको इस वीडियो में केवल 20 से 25 क्वेश्चन दिए जो आपके पेपर में आ रहे हैं। समझो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको यहां से 85% प्लस देखने को मिलेगा, मतलब कि आप टॉप करने वाले इस बार। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अभी चैनल को पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अभी आप और भी जो भी सब्जेक्ट है आपके, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, किसी हिंदी वगैरह का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बिल्कुल नीचे जाइए आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बी ए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के लिए दे रखा है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, जाकर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो यहां बोला गया है भौतिक भूगोल क्या होता है। तो भौतिक भूगोल पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, भूगोल के बारे में परिभाषा आपको याद रखना है, उसके क्षेत्र उनकी प्रकृति के बारे में याद करना है। सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये आपसे पूछेगा कि भाई सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता दो, तो आपको ये क्वेश्चन देखना है। उसके बाद में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके विचारों को करो, मतलब कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है और विचार है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में आपको देख लेना है, वही बात करना है महाद्वीप जो बैगनर की महाद्वीपीय जो विस्थापन था उस सिद्धांत के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हुआ है भूगोल के कारण के बारे में और कह सकते हैं भूकंपनी लहर का वितरण क्या है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे यार, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, उसके निबंध लिखिए, एक क्वेश्चन पर टिक लगा लो अपने बुक में। महाद्वीपीय विस्थापन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये क्या है ये आपसे पूछेगा, इसको पढ़ लेना रट लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग करा देंगे इस क्वेश्चनों के आंसर। बात ही बोला गया पर्वत, यहां बोला गया है देखो जो होता है पर्वत निर्माण, तो पर्वत का निर्माण सिद्धांत क्या था आप वो देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। होम्स का संवहन सिद्धांत, संवहन धारा जो सिद्धांत था होम्स का, इसको आप याद कर लेंगे। प्लेटो जो विवर्तन की का अर्थ और सिद्धांत के बारे में आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भू जो भूसन्निति होता है, भूसन्निति को या फिर हम भू अभिनति भी बोलते हैं भूसन्निति को, आप इसकी परिभाषा को याद कर लेना, विशेषता और सिद्धांत की अवधारणाओं के बारे में पढ़ लेना है। मैं आपको सिंपल शॉर्ट में इन क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगा, आप हमारे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नोट्स का, जाके या हमें व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करते हैं, हमें नोट्स का लिंक आपको वहां दे दिया जाएगा, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, और अपना नाम और ये जरूर लिख देना उसमें, ताकि मैं आपके नंबर को सेव कर सकूं, और ठीक है अपना लोकेशन वगैरह आप कहां से हैं, ठीक है कभी हम वहां हो रहा है जाना या फिर आना तो हम बिल्कुल आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर देखो, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन याद करना है जो है चट्टान क्या होती है, चट्टान की विशेषताओं के बाद में देखो अपरदन चक्र क्या होता है उसके सिद्धांत के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अनच्छादान, जो अनच्छादान होता है उसका अर्थ क्या होता है, उनके प्रकार और जो आपके भ्रंशन बोल सकते हैं, भ्रंशन के बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनाता है बलैन, जो बलैन होता है ना बलैन, उसके बारे में उसके क्या होता है, मतलब जिसे हम फोल्ड्स कहते हैं, तो उसके प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद में अवहन तंत्र क्या होता है, उनके प्रारूप के बारे में याद करिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हिमानी जिसे हिमनदी भी बोलते हैं, हिमनदी का अर्थ क्या होता है, हिमनदी की परिभाषा आपको देख लेनी है। प्रभावी जल या नदी का, नदी के कार्य क्या होते हैं, नदी के कार्य देख लेना, या प्रभावी जल देखते हैं जो बहता हुआ जल होता है, नदी के कार्य क्या होते हैं वही, ठीक है। और अभी कह सकते हैं अभिगत जल क्या होता है, अभिगत जल के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु द्वारा निर्मित जो भौम्यकार का नाम है उसके नाम के बारे में एक्सप्लेन करना है। डेल्टा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर लगा लेना। वायुमंडल की संरचना के बारे में यहाँ पे याद कर लेंगे, उनका संगठन कैसे हुआ था वायुमंडल का, ठीक है। उसके बाद में है सूर्य ताप, सूर्य ताप का अर्थ क्या होता है, अब इसको पढ़ लेना। तापमान क्षैतिज वितरण के बारे में इसको छोड़ देना, हटाओ। और पृथ्वी देख सकते हैं पृथ्वी चक्रवात क्या होता है, अब इसको पढ़ लेंगे। वायुदाब पेंटिकरण क्या होता है, इसको छोड़ दीजिए। वायु राशि के अभिप्राय क्या है, आप इसको देख लेंगे। और उसका वर्गीकरण को आर्द्रता के प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद में ज्वर भाटा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके सिद्धांत के बारे में आप याद कर लेंगे, ठीक है। प्रबल भित्ति का विकास कैसे होता है, आप इसको याद कर लेंगे। महासागरीय निक्षेप क्या है, प्रकार उनके विवरण के बारे में याद करेंगे, ठीक है। तल विन्यास से बोला जाता है। उसके बाद में आ जाता है जो कह सकते हैं जो अटलांटिक महासागर होता है, जिसे हम अंध महासागर भी बोलते हैं, उसकी धारा उनके वर्णों के बारे में देख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समुद्रीय लवण क्या होती है, तो समुद्री लवण के बारे में याद करेंगे, ठीक है। जीवन वर्ण क्या है उसके अर्थ के बारे में याद करेंगे, और जीवन अनुकरण क्या होता है, अनुक्रमण जिसे बोलते हैं, बायोटेस्ट जो एक्शन बोल सकते हैं उसके बारे में आपको, सक्सेशन बोलना बोला जाता है, ठीक, बायोटिक सक्सेशन उसके बारे में, जिसे हम जीव अनुक्रम बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हम इसको पढ़ेंगे, बाकी इन सबको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 2022 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लेके आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं, जो आपके सीनियर हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि पेपर हैकर पर भरोसा किया जाए या नहीं, बिल्कुल करो यार, ये मैं बोलता हूँ। चलो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।